जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की सरकार के बाद का जो डेवलपमेंट है, गवर्नर शुरू हुआ है, उसमें हम पनुन कश्मीर और कश्मीरी समिति दिल्ली जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको हमने बुलाया है और हम इन हालात को कैसे देखते हैं, हम क्या समझते हैं कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए दिल्ली से हमारे मित्र आए हैं। मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ पहले आपसे। मेरी साइड में विजय रैना जी हैं, ये वरिष्ठ कश्मीरी नेता हैं और कश्मीरी समिति दिल्ली के अध्यक्ष हैं, और उनकी बगल में श्री समीर चरंगू जी हैं जो कश्मीरी समिति दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं, और दोनों हमारे दोस्त बरसों से, कहना चाहिए दशकों से, इस संघर्ष के अगुआ के रूप में काम कर रहे हैं। और उनकी बगल में लेनिन कुमार बागची हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पनुन कश्मीर के नेता हैं, और मेरी बगल में मेरे दाई ओर पनुन कश्मीर के चेयरमैन, आइडियोलॉग, पॉलिटिकल थिंकर डॉक्टर अजय जी हैं, डॉक्टर अजय चरंगू। और अभी का जो डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अब गवर्नर्स रूल आया है, और आपको याद होगा कि हमने कहा था दो दिन पहले ही कि देश हित में पीडीपी और भाजपा की सरकार किसी भी सूरत में मुफीद नहीं थी, पीस के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, यूनिटी के लिए। हमने कहा था कि अभी भी समय है कि भाजपा हाथ खींच ले और ये सरकार जानी चाहिए, और गई। उसके बाद के डेवलपमेंट्स जो हुए आपके सामने, और पनुन कश्मीर, कश्मीरी समिति क्या सोचती है, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अजय चरंगू जी विजय जी से पहले। प्रमुखता से तीन बातें हम आज कहना चाहते हैं। अब नई सरकार यहाँ पे बनी है, गवर्नर रूल है, और दिल्ली में भी भारत सरकार है। इन दोनों से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द अब यहाँ पे, यहाँ के राजनीतिक तंत्र पे, यहाँ पे गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, जमात इस्लामी और जमात अहले हदीस किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं इस तंत्र को, इस बारे में एक प्रोब करें, एक इन्वेस्टिगेशन करें। जमात इस्लामी और जमात अहले हदीस, ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जो पान इस्लामिक एक मोमेंट को चला रहे हैं, और यही, इन्हीं की डॉक्ट्रिनेशन के माध्यम से यहाँ पे आतंकवाद बढ़ता है, टेररिज्म बढ़ता है। तो पहली हम डिमांड सरकार से ये कर रहे हैं कि इन दो संस्थाओं का यहाँ के जम्मू कश्मीर के राजनीतिक तंत्र पे और यहाँ की व्यवस्था पे क्या इन्फ्लुएंस है, इस बात को प्रोब किया जाए, और इसका कैसे निराकरण किया जाए, इसके लिए वो बिल्कुल अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष निकाले। दूसरी जो हम आज डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं, जो यहाँ पे आतंकवाद हुआ है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में से कौन से फायदे मिले हैं, किस तरह से इसको सहयोग मिला है, किस तरह से इसको एक किस्म की एक स्पॉन्सरशिप मिलती है, इस बात का बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करें नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो देश की प्रीमियर एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्योंकि ये दो चीज़ें अगर ठीक तरह से सरकार नहीं समझ पाएगी, तो हमको नहीं लगता है कि वो आगे आने वाले समय में जो एक तकफीरी जिहाद का यहाँ पे एक आतंक चला है, इसका निराकरण कर पाएगी। तीसरी बात हम इस सरकार से कहते हैं कि अभी तक जो कश्मीरी हिंदू विस्थापितों के बारे में उनकी पॉलिसी है, जो पॉलिसी इस सारे विस्थापन को एक आपदा के रूप में, शायद बाढ़ पीड़ितों की आपदा जैसे होती है, या जैसे आगजनी की आपदा होती है, या जैसे कहीं पे भूचाल की आपदा होती है, इस तरीके से इसको, इसके साथ निपटना चाहती है। हम इनको कह रहे हैं कि भैया इस बात को छोड़ दीजिए, ये एक जिनोसाइड है, और जिनोसाइड को कैसे रिवर्स किया जाता है, वैसी एक पॉलिसी बनाए। हमारा मानना है कि पनुन कश्मीर के बनाने, कश्मीर में यूनियन टेरिटरी पनुन कश्मीर बनाने के बगैर ये रिवर्सल ऑफ जिनोसाइड नहीं होगा, और सरकार को अब इस दिशा में सोचना, एक्टिवली सोचना शुरू करना चाहिए।
गिरा दी गई, ये तो पहले डिसीजन लेना चाहिए था हमारे क्योंकि ये बहुत देर पिछले 3.5 साल में मुझे लग रहा है हैदराबाद बहुत बढ़ गया और जो वहाँ पर स्पॉन्सर जो पाकिस्तानी जो एजेंट्स हैं वो स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं इस मेरे ख्याल से जो भारत सरकार ने ये निर्णय लिया हम उसकी बहुत अभिनंदन करते हैं जो अब लिया हुआ है जो कश्मीर समिति दिल्ली और पनू कश्मीर का आज ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है हम भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज प्रार्थना कर रहे हैं जितने भी विस्थापित 1990 से यहाँ पर 29 साल में अपने ही मुल्क में अपने ही कंट्री में अपने ही कंट्री को शरणार्थियों की जिंदगी बिता रहे हैं कि एक ठोस कदम उसके लिए के जो विस्थापित है इनका पुनर्वास के लिए अभी अमित शाह जी ने ये बोल दिया यहाँ पर जम्मू में कि उनके पुनर्वास के लिए हमने पीडीपी को पैसा दिया बट पुनर्वास वो हुआ नहीं पीडीपी सरकार ने नहीं मुझे लग रहा है वो बहुत गलत हुआ और हम कश्मीर समिति दिल्ली जो 1990 से हम ये कह रहे हैं कि हमने सेपरेट होमलैंड में जो पनू कश्मीर और जॉइंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कश्मीरी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि एक ही सोल्यूशन है इसका वो है कि एक सेपरेट होमलैंड कश्मीर में विकसित करें सो दैट कि हम बार बार हमारी माइग्रेशन इतनी बार हमारा वहाँ से माइग्रेशन हुआ है वो हम नहीं चाहते कि बार बार हो हमारी भारत सरकार से यही विनती है कि अगर आज नहीं हुआ तो ये कभी भी नहीं होगा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से हम दो मांगे सरकार से कर रही हैं स्टेट गवर्नमेंट से जहां पे इस वक्त गवर्नर रूल है और दिल्ली सरकार से एक बात जो हम ये कह रहे हैं कि जो इस जम्मू कश्मीर प्रदेश में दो पान इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी और जमात अहले हदीस इनका यहाँ के राजनीतिक तंत्र में यहाँ के सरकार की व्यवस्था में जो जिस तरीके की घुसपैठ है इस घुसपैठ को जांचने के लिए उसका आंकलन करने के लिए एक हाई लेवल का एक प्रोब होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आतंकवाद तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक इन दो संस्थाओं का इन्फ्लुएंस जो समाज पर है वो ख़त्म हो जाएगा और ये दोनों संस्थाएं तकफीरी संस्थाएं हैं एक कैलिफेट के को निर्माण करने के लिए ये संकल्पबद्ध संस्थाएं हैं इनको सरकार के भीतर से कैसे मदद मिलती है राजनीतिक तंत्र से कैसे मदद मिला है और हाल ही में पिछले 3 साल से पीडीपी सरकार से पीडीपी पार्टी से इनको कैसे मदद मिली है इसका आंकलन किया जाए इसके लिए एक हाई लेवल प्रोब किया जाए दूसरी बात हम जो भारत सरकार से ये भी कह रहे हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हाल ही में यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके आतंकवाद के लिए जो यहाँ पे फंडिंग को लेके जो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी पहले तो बड़े ज़ोर शोर से कर रही थी और बाद में इसको स्लो किया गया राजनीतिक रीजनों के कारण हम कहते हैं कि एक तो भारत सरकार को नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इस कार्य को पूरा अपने लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए पूरा प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको इसके लिए निर्देश देना चाहिए साथ में हम ये भी कहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ सेपरेटिज्म और टेररिज्म इस बात को लेके भी वो आंकलन करे नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किस तरह से आतंकवादी संगठन किस तरह से यहाँ पे अलगाववादी संगठन हमारे राजनीतिक तंत्र का हमारी व्यवस्था का हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का उपयोग करके अंदर से आतंकवाद और अलगाववाद को फैलाते हैं ये दो बातों का हम कह रहे हैं कि भारत सरकार बिल्कुल अर्जेंसी के साथ काम करे क्योंकि अगर अभी भी इस बात को उन्होंने डिसर किया तो जो ये लड़ाई चल रही है जो भीतर से हमारी व्यवस्था का इस्तेमाल करके हमारे जनतंत्र का हमारे गणतंत्र का भीतर से इस्तेमाल करके जो काम चल रहा है ये इसमें कोई रोक नहीं लगेगी और इस वक्त एक क्रिटिकल सिचुएशन है तीसरी बात हम कह रहे हैं भारत सरकार को वो अपनी रिटर्न पॉलिसी चेंज करे ये कोई आगजदों के लिए या बाढ़ पीड़ितों की जो के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वैसी पॉलिसी नहीं है
उनको जिनोसाइड को रिवर्सल करने के लिए एक पॉलिसी का निर्माण करना चाहिए, और हम समझते हैं कि जिनोसाइड का रिवर्सल सिर्फ कश्मीर घाटी का विभाजन करके वहाँ पे एक यूनियन टेरिटरी बना के ही होगा, जहाँ पे हिंदू विस्थापितों को पूरे देश से बसाया जाए।